जिस यूट्यूबर के बारे में मैं आज बोलना चाह रही हूँ, जिनके ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ, उनका नाम तो आप समझ गए होंगे मेरी थंबनेल से। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो अपने अपने घरों पे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी रात का समय है और अभी बज रहा है एक। जी हाँ, अभी बज रहे हैं एक। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त अब तक जागी हुई हूँ, तो क्योंकि आगे 3 दिन जो है पब्लिक हॉलीडे है, तो उसी खुशी में मैं जागी हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप नेट यूज़ करते हो तो जागे रहते हो। तो मैं ज़रा नेट देख रही थी और वीडियो देख रही थी, उसके बारे में बताऊँगी कि मैं क्या देख रही थी, किसकी यूट्यूब वीडियो देख रही थी। यूट्यूब की जो एक लेडी है उसके बारे में बताऊंगी। तो वैसे मैं डेली, मेरा जो है हैबिट हो चुका है कि मैं देखती हूँ उनका वीडियो। और अभी तो काफ़ी दिनों से मैं डेली व्लॉग नहीं बना रही थी। मैं बना रही थी, जो मैंने मेरी सिस्टर के घर पे गई हुई थी उसका व्लॉग्स मैंने अपलोड किया हुआ है। तो होम टूर बनाया है मेरी सिस्टर के घर का, तो वो सब मैं डाल रही हूँ व्लॉग्स। वो सब आप लोग देख भी रहे हो, अप्रिशिएट भी कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मगर अभी कुछ दिनों से मैं बना नहीं पा रही थी, तो आप लोगों का मैसेज आ रहा था कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रही हो नया, तो इसलिए मैं आ गई हूँ नए व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग मैं अभी स्टार्ट किया मैंने, तो देखते हैं इसे कब तक कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी मैंने अपलोड नहीं करूँगी, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम का व्लॉग वीडियो बना रही हूँ। इसे मैं कंटिन्यूशन में सुबह तक दिखाऊंगी। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि एक यूट्यूबर है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, कि कुछ ही दिनों में वो इतनी उन्होंने फेम कमा लिया, इतना उनका जो यूट्यूब है इतना पॉपुलर हो गया है, काफ़ी लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया, कई ढेर सारे लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है। वो एक पाकिस्तानी लेडी है, जो बॉर्डर है हमारा पंजाब का, वहाँ पे रहती है वो, और मुस्लिम लेडी है, और इंडिया से भी काफ़ी लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। और उनकी जो सिस्टर है बड़ी वाली, वो सऊदी अरब में रहती है। तो बात यह है कि उनका जो एक मेकअप का वीडियो मतलब व्लॉग था, वो कर रही थी, चैनल था मेकअप का, वो दिखा रही थी। तो उसके बाद उनकी लाइफ किस में ऐसा इंसिडेंट हुआ जो उन्होंने अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किया। उन्होंने सोचा कि यहाँ शेयर करना उनका जो दर्द है, क्योंकि उनकी मम्मी सऊदी में अपनी सिस्टर के साथ रहती थी। उनकी एक सिस्टर थी, एक जो बड़ी वाली सिस्टर के साथ मम्मी रहती थी सऊदी में, और वो अपने हस्बैंड के साथ 3 बच्चों के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। तो उसी में उनके लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो जो दर्द भरा समय वो यूट्यूब फैमिली के साथ उन्होंने शेयर किया। और शेयर करने के बाद उन्हें वाकई में इतना सपोर्ट मिला लोगों से। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि किसी का दर्द देखते हैं, दुख देखते हैं, तो उस पर बहुत मज़े लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सहारा बनने का कोशिश करते हैं, कहते हैं कि अरे तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, मगर दिल में खुश भी होते हैं कि अरे देखो लोगों के साथ ऐसा भी होता है, हम तो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो काफ़ी तरह के लोग होते हैं, एक किसी का अगर सैड स्टोरी सुन के कई तरह का वो रिएक्शन दिखाते हैं। तो चलो, उनको बहुत सपोर्ट मिला। और नेगेटिव लोग भी बहुत हैं जिन्होंने उनको डीमोरलाइज़ किया, जैसे कि उनका नाम लेकर काफ़ी लोगों ने बहुत तरक्की किया है, बहुत फेम कमाया, उनका चैनल आगे बढ़ा। ऐसे भी लोग हैं जिनका चैनल बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा था, मगर उनको भी एक पिकअप मिला। तो वो यूट्यूबर का नाम है सितारा यासीन। आप लोगों ने भी सब्सक्राइब किया होगा, इंडिया से बहुत सपोर्ट मिल रहा है उन्हें, सितारा यासीन। अब तो मैं किसी धर्म और रिलीजन को लेकर नहीं बोल रही हूँ, और ये जो स्टोरी है उनकी लाइफ की एक स्टोरी है, उनका लाइफ का इंसिडेंट है। तो ऐसे पल कई सारी मुस्लिम लेडीज़ को फेस करना पड़ता है, और हिंदुओं में ऐसा होता नहीं है, हालाँकि होता है मगर कुछ डिफरेंट तरीके से होता है। तो उनके 3 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है, एक बड़ी बेटी और एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है। तो 3 बच्चे हैं उनके और एक शोहर यानी कि हस्बैंड। एक्चुअली मैं उनका वीडियो डेली देख रही थी, डेली उनका व्लॉग देख रही थी, कि देखते देखते कैसे उनका चैनल जो है बहुत तरक्की कर गया। और एक अभी जो है उनका चैनल, सितारा यासीन का जो चैनल है, वो अभी ट्रेंड पे है, ठीक है ना। तो कैसे ट्रेंड पे है वो मैं बता रही हूँ। तो उनका लाइफ का इंसिडेंट, उन्होंने रियल फैक्ट शेयर किया,
ये आप लोग डिसाइड करेंगे, आप लोग देखेंगे, जो देख रहे हैं दर्शक वो डिसाइड करेंगे, जिन्होंने उनको सब्सक्राइब किया है वो डिसाइड करेंगे, तो वो समझेंगे चेंगे कि वो सही बोल रही है या गलत बोल रही है। काफ़ी लोग उनके अगेंस्ट में भी हैं, काफ़ी लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं। एक्चुअली जिनको काफ़ी लोग सोचते हैं कि अरे इनको सभी सपोर्ट करते हैं, हम इनके अगेंस्ट में जाकर इनका टाइमलाइन, इनका थंबनेल लेकर, इनकी फ़ोटो पिक्चर्स निकाल कर, इनका नाम यूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको किसी की फीलिंग्स की नहीं पड़ी होती, जिनको किसी की भी फीलिंग्स को इस्तेमाल करके अपना नाम कमाना होता है, अपना तरक्की करना होता है, दूसरों का मजाक बनाना होता है, दूसरों का मजाक बनाकर वो अपना तरक्की करते हैं। तो ऐसे भी रियल लाइफ में भी ऐसा होता है और यूट्यूब में भी ऐसा होता है। तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी की स्टोरी आगे बताऊँगी। तो वो जो है वो एक खुशहाल ज़िंदगी अपने हस्बैंड के साथ, तीन बच्चों के साथ स्पेंड कर रही थी। उतने में अचानक काफ़ी दिनों से उनके हस्बैंड जो है, शादी के बाद से ही उनकी सितारा यासिन की जो शादी है वो 13 साल में हुई थी, जब वो 13 साल की थी। वैसे उस टाइम पे होता नहीं है शादी 13 साल का, उन्होंने एज बढ़ाकर, उन्होंने खुद ही कहा अपने ब्लॉग पे कि एज उन्होंने बढ़ाकर उन्होंने शादी कर लिया, ठीक है। तो उनके हस्बैंड शुरुआत में खुश थे, फिर अचानक से उन्होंने बोला कि उनको दूसरी शादी करनी है। वो लड़की कौन है, वो जो है उनकी जो जिनको पहले उनका अफेयर था, जिनको पहले पसंद करते थे, उनसे शादी करनी है। और सितारा को जो है वो सितारा को भी रखना चाहते थे, मुस्लिम्स में ऐसा ही होता है, और जो वो सेकेंड मैरिज करना चाहते थे जिस लड़की से, उसके उनके साथ भी रहना चाहते थे, और उसका नाम है कौसर। तो वो कौसर से शादी करना चाहते थे, और सितारा ऑलरेडी उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे 3। तो अब कौसर जो है वो तो पीछे पड़ी हुई थी इनके हस्बैंड की, शादी करनी है इन्हीं से, ठीक है। तो फैमिली में जो है दरार डालना है, तो वो चाहती थी, वो अपना भी देख रही थी कि कौसर जो है इंतज़ार कर रही थी सितारा के हस्बैंड का, कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे शादी से पहले कि एक दूसरे से शादी करेंगे, मगर उसने शादी नहीं किया, सितारा के हस्बैंड का वेट कर रही थी, क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम्स में कई सारी शादी जायज़ है, तो ये कानून भी ऐसा है, जायज़ है, तो इसलिए फेस करती है लड़कियाँ वहाँ की, औरतें बहुत फेस करती है प्रॉब्लम। तो फिर उनका साथ ये बुरा हुआ कि 3 बच्चों को छोड़कर, सितारा को छोड़कर उन्होंने कौसर से शादी कर लिया, वो भी खुशी धूमधाम बहुत जोरों शोरों से शादी किया है, जो सितारा को अच्छा नहीं लगा, जिस बात का बुरा लगा, क्योंकि सितारा के साथ ही उनके हस्बैंड की शादी ऐसे धूमधाम से नहीं हुआ जैसे कौसर के साथ हुआ। अब वो मोस्टली जो टाइम है कौसर को देते हैं, 3 बच्चे कभी कभार उनको याद आते हैं, और जो उनकी पहली वाइफ है सितारा, इतनी नाम कमा चुकी, इतना पैसा कमा रही है, और जब भी उनका हस्बैंड आते हैं उनके पास सिर्फ पैसों के लिए आते हैं, जब उनको, और यहाँ तक कि उन्होंने शादी भी जो है कर्ज़ लेकर शादी किया कौसर से, उनके पास खुद के पैसे नहीं थे, उन्होंने यहाँ वहाँ से कर्ज़ लेकर शादी किया। बताइए, वो बोल रहे हैं सितारा को कि ये जो कौसर से उन्होंने सेकंड मैरिज की है उसका जो कर्ज़ अदा कौन करेगा, उनकी फर्स्ट वाइफ सितारा, वो बोल रहे हैं उनका शौहर कि सितारा को उनका जो है कर्ज़ अदा करना है, तो क्या ये जायज़ है? ये है स्टोरी। अगर ये झूठ भी हो, अगर ये फेक भी हो, तो कम से कम लड़कियों को ये इन्फॉर्मेशन तो मिल रहा है, जो लोग हैं, जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, पसंद तो कर रही है स्टोरी, है ना, क्योंकि वो जानना चाह रही है कि एक दर्द, एक जब लड़की फेस करती है तो क्या होता है, और औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं, वो अकेला हो तो भी बहुत कुछ कर सकती है। तो वो सितारा जो है उसने ठान लिया कि वो ठीक है, उनके हस्बैंड उनके पास नहीं आ रहे हैं, वो अपनी ही बच्चों को खुद मैनेज करती है। तो मैं कुछ शेयर करूंगी, आप सितारा यासिन के पेज पे जाके भी देख सकते हैं। तो अपने 3 बच्चों को खुद ही मैनेज कर रही है, उनको शॉपिंग करना हो 3 बच्चों को लेके जाती है, तबीयत ख़राब हो जाए बच्चों का तो खुद देखती है। तो ये था सितारा का स्टोरी, और अब सब आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो है उनके बारे में ये पसंद आया होगा। आप लोग अपना राय दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी उनके सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं वो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, अपना राय बता सकते हैं। तो वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करती रहूँगी मेरे दूसरे वीडियोस पे, और ये जो व्लॉग है इसको मैं कंटिन्यू करूँगी कल सुबह। तो मिलते हैं कल सुबह, और अभी के लिए आप सभी को गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं।